तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रथा मुखी और आप देख रहे हो रथा मुखी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आप जो है कैसे अपने फेसबुक के प्रोफाइल में किसी भी MP3 को जो है पिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप भी अपने प्रोफाइल में किसी भी MP3 को आप लगाना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है ना। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना गाइस, अपने फेसबुक के प्रोफाइल में किसी भी सॉन्ग को ऐड करने के लिए या फिर गाइस मान लीजिए पिन करने के लिए, तो गाइस सबसे पहले जो है आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। तो गाइस उसके लिए गाइस आपको जो है अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च में यहाँ पर आपको लिखना है गाइस फेसबुक, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर आपको फेसबुक लिख के यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपका फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पे खोल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा पहले से ही अपडेट है, इसीलिए गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो ओपन लिखा हुआ के आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपने अपडेट नहीं किया है अभी तक तो गाइस पहले जो है आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो है देख सकते हो गाइस मेरा फेसबुक का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है गाइस ओपन हो गया, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे 3 लाइन का निशान दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो आपको इस 3 लाइन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको अपने प्रोफाइल का लोगो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो आपको अपने प्रोफाइल के यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा अपने प्रोफाइल यहाँ पे खोल के, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पूरा नीचे आना, देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है आपको, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पे जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको सेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा गाइस यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक का, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो आपको म्यूजिक पे एक बार आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपको बहुत सारा यहाँ पे म्यूजिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे चाहे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको प्लस का आइकन भी यहाँ पे मिल जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करके भी आप किसी भी म्यूजिक को आप यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए गाइस यहाँ पे जो है मेरा इस वाला म्यूजिक को मैं यहाँ पे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जो है ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला म्यूजिक है। तो गाइस आपको क्या करना होगा ना गाइस ये वाला म्यूजिक को ऐड करने के लिए, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको इस म्यूजिक के साइड में यहाँ पे आपको 3 लाइन का निशान दिख रहा होगा, ठीक है ना, 3 बिंदु का। तो गाइस यहाँ पे आपको 3 बिंदु पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पिन टू प्रोफाइल, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको पिन टू प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे पिन टू प्रोफाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं पिन टू प्रोफाइल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे आ जाना है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे म्यूजिक जो है यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। तो गाइस आप भी कुछ इस तरह से जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल में किसी भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और गाइस अगर आप इस म्यूजिक को आप हटाना चाहते हैं तो गाइस आपको क्या करना होगा ना गाइस, गाइस आप देख सकते हो इस म्यूजिक के साइड में यहाँ पे आपको 3 बिंदु का निशान दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अनपिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम प्रोफाइल, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे आपको अनपिन फ्रॉम प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस वो वाला म्यूजिक जो है यहाँ पे हट चुका है, ठीक है ना। तो गाइस आप भी कुछ इस तरह से जो है अपने प्रोफाइल में म्यूजिक को ऐड भी कर सकते हैं और गाइस हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दिया, ठीक है ना। और गाइस अगर आप अभी तक किसी रथम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, मैं इसी तरह का ही टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस हम आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।